कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमृता और मेरे साथ है नरेश। अमृता, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज के कार्यक्रम में जानकारी रहेगी बेलदार सब्जियों की रुपाई हम कैसे करें, साथ ही हम आपको जानकारी देंगे कि स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती कैसे की जा सकती है, और जानकारी के अलावा हम आपके मनोरंजन का भी रखेंगे पूरा ख्याल। कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो आराम से पच जाए, यानी जो सुपाच्य हो, और लौकी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। लौकी के बारे में कहा गया है, लौकी पूर्ण सुपाच्य है, रागी के हित पथ्य, मेदे को शीतल करे, झूठ नहीं यह तथ्य। ऐसी एक और सब्जी है जो सुपाच्य भी है और स्वादिष्ट भी है, और इस सब्जी का प्रयोग कई तरह के मांगलिक एवं धार्मिक कार्यों में भी किया जाता है। बेलदार सब्जियों की अगेदी खेती करके हम बाजार में इनके अच्छे दाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए हमें रखनी होगी बहुत सारी सावधानियाँ। सावधानी हमें रखनी होगी रुपाई करते समय। सावधानी पूर्वक बीजों के किस्मों का करें चुनाव, और बिजाई करने से पहले बीजों का उपचार अवश्य कर लें। साथ ही हमारी भूमि की, खेत की मिट्टी कैसी है, इसकी जानकारी रखना भी हमारे लिए जरूरी है, तभी हमें मिलेगा बेलदार सब्जियों से भरपूर उत्पादन। लौकी एवं सीताफल प्रमुख कद्दू जातीय सब्जी फसलें हैं। किसान भाई लौकी एवं सीताफल को गर्मी के मौसम में सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। लौकी एवं सीताफल की अगेती रोपाई करके किसान भाई अपनी फसल से अधिक उपज एवं अधिक आर्थिक लाभ ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ आवश्यक है कि किसान भाई ने अपनी पौध को तैयार करके रखा हुआ है और पौध रोपाई के लिए तैयार हो गई है, तो अब उपयुक्त समय है कि किसान भाई अपनी पौध की रोपाई खेतों में कर सकते हैं। रोपाई के लिए पौधे तैयार हो गए हैं या छोटे हैं, इसके लिए ये जानना यहाँ आवश्यक है कि पौधों में चार पत्ती की अवस्था होना चाहिए। अगर पौधों ने चार पत्ती की अवस्था प्राप्त कर ली है तो ऐसी अवस्था रोपाई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाई रोपाई करने से पहले ऐसे खेत का चुनाव करें जिसकी उपजाऊ अक्षमता अच्छी हो तथा खेत की जो मिट्टी है वो बलुई दोमट या दोमट किस्म की हो। खेत का जो मृदा का पीएच मान है वो 6.5 से 7 के बीच में होना अत्यधिक लाभकारी रहता है। खेत के अंदर किसी भी प्रकार की लवणता या क्षारीयता की अवस्था में इन फसलों से अच्छी उपज लेना संभव नहीं है। अब बात करते हैं कि फसल की रोपाई के समय किस प्रकार से करें, क्या विधि होनी चाहिए रोपाई की। इसके लिए हम अपने किसान भाइयों को सिफारिश करते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता बार बार पड़ती है और किसान भाई समतल खेतों में रोपाई करने की अपेक्षा अगर नालियां बना करके रोपाई करते हैं तो ऐसे सिंचाई की पानी की मात्रा में काफ़ी बचत की जा सकती है। इसके लिए किसान भाई अपने खेत में नालियाँ बना सकते हैं, और नाली की जो चौड़ाई है वो 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा जो है उसकी लंबाई खेत की आवश्यकता अनुसार रखी जाती है। नाली की जो गहराई है वो 1.5 से 2 फुट गहरी होनी चाहिए ताकि एक बार पानी लगाने के बाद पौधों की जड़ों में नमी की मात्रा प्रचुर रूप से बनी रहे। इसके बाद किसान भाई अपने नालियों को ठीक प्रकार से उनमें से मिट्टी निकाल लें, उनको जो है दोनों तरफ से दबा लें ताकि पानी देने के बाद मिट्टी नाली में लुढ़क कर ना आए और नालियों में काफ़ी स्पेस बना रहे। इसके बाद किसान भाई उनमें मुख्य बात ध्यान रखने की है कि पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे का फासला कितना रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में लौकी एवं सीताफल में बढ़वार वर्षा ऋतु की तुलना में कम होती है, इसलिए लौकी के लिए पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी रहेगी वो रहेगी 2 से 2.5 मीटर, और पेठे के लिए 3 से 3.5 मीटर का पंक्ति से पंक्ति का फासला उपयुक्त रहता है। पौधे से पौधे की दूरी लौकी एवं सीताफल में एक समान रखने की सिफारिश की जाती है, और ये रहेगी पौधे से पौधा
0.5 मीटर से लेकर के 0.7 मीटर रख सकते हैं। रोपाई करते समय किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि रोपाई का जो कार्य है वो दोपहर बाद करें, तेज़ धूप की अवस्था में रोपाई ना करें। पौधों की अवस्था उपयुक्त होनी चाहिए रोपाई के लिए, यानी कि पौधे जो हैं 4 पत्ती के होने चाहिए। जब पौधों को ट्रे से निकालते हैं या पॉलीथीन की थैलियों से निकालते हैं, इस समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब उसकी पॉलीथीन को कटाई करें चाकू या ब्लेड के माध्यम से, तो पौधे के साथ जो जुड़ी हुई मिट्टी है वो अलग नहीं होनी चाहिए जड़ों से, और जड़ों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। रोपाई करने के बाद पौधों को खेत में जब रोपाई करते हैं तो इस प्रकार से दबाएं कि पौधों की जड़ों को कोई नुकसान ना हो, तथा पानी देने के बाद पौधे खेत में ना उल्टें। अब बात आती है कि किसान भाई अपने खेत में अच्छी उपज लेने के लिए, फसल की अच्छी बढ़वार के लिए कितनी मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए जो है हम किसान भाइयों से ये सिफारिश करते हैं कि अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आप इन फसलों की रोपाई करना चाहते हैं तो खेत की अंतिम तैयारी से पहले या 25 से 30 दिन पहले अपने खेत में जो है आप सड़ी हुई गोबर की खाद 25 से 30 ट्रक या इतनी गाड़ियां या इतने जो हैं टन गोबर की खाद अपने खेत में किसान भाई इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके साथ ही साथ नालियों में चिन्हित करें पौधे से पौधे की दूरी के लिए, और वहाँ पर जो खाद एवं उर्वरक की मात्रा है वो जो है प्रति गड्ढा उसमें देने की आवश्यकता होती है, और पहले उसमें गोबर की खाद डालें, उसके बाद जो रासायनिक उर्वरक हैं फास्फोरस पोटास एवं नत्रजन की जो मात्रा है प्रति गड्ढेवार मिला सकते हैं। अगर किसान भाई गड्ढेवार नहीं मिलाना चाहते हैं तो नत्रजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा को मिला करके खेत में छिड़काव करके खेत की अंतिम तैयारी कर लें, और उसके बाद उसमें नालियां बनाएं। नत्रजन की जो शेष मात्रा है उसको जो है 3 भागों में रोपाई के 20 दिन बाद, 40 दिन बाद और क्रमवार 60 दिन बाद अपनी फसल में लगा सकते हैं। अगर फसल की वृद्धि अच्छी नहीं है तो ऐसी स्थिति में किसान भाई अपने खड़ी फसल के अंदर यूरिया का 1% का घोल बना करके भी छिड़काव कर सकते हैं, ताकि फसल के अंदर अच्छी बढ़वार प्राप्त की जा सके। कई बार रोपाई के बाद तुरंत बाद जो है इन बेल वाली फसलों में 2 कीड़ों का आक्रमण विशेष रूप से देखने में आता है। एक तो कीड़ा है लालड़ी, जो लाल रंग का चमकीला लाल रंग का कीड़ा होता है, ये पत्तियों को नुकसान पहुँचाता है, और दूसरा कीड़ा है कटवर्म। जब पौधे की रोपाई करते हैं तो ये कीड़े जो हैं रात्रि के समय निकल करके पौधों को जमीन की सतह से काट देते हैं। इन कीड़ों के नियंत्रण के लिए किसान भाई लालड़ी का जो नियंत्रण है वो अपने खेत में कार्ब्रिल यानी कि जो सेविन के नाम से बाज़ार में उपलब्ध होता है, इसका 1.1% से लेकर के 0.2% यानी कि 100 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर दवाई उसमें डाल लें, और उसका जो है घोल बना करके किसान भाई अपनी फसल में इसका छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से लालड़ी को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। कटवर्म के नियंत्रण के लिए हम किसान भाइयों से सिफारिश करते हैं कि जब आप पौधों की रोपाई करते हैं उसी समय 1 चम्मच कार्बोफ्यूरान प्रति गड्ढा जो है उसमें मिला दें, ताकि पौधों को रोपाई के बाद कटवर्म के नुकसान से बचाया जा सके। कुछ किसान भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी लौकी की पौध तैयार नहीं की है और वो लौकी एवं सीताफल की खेती करना चाहते हैं, अब उपयुक्त समय है उनके सीधे बिजाई करने का। इसके लिए उपयुक्त किस्मों का चयन करना आवश्यक है। हम यहाँ लौकी की जो सुधरी हुई किस्में हैं जिनकी रोपाई करके किसान भाई अच्छी उपज ले सकते हैं, उनमें प्रमुख है पूसा नवीन, पूसा समृद्धि और पूसा संदेश। इसके अतिरिक्त पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा विकसित 3 किस्में हैं, जिनमें पंजाब कोमल, पंजाब लॉन्ग, पंजाब राउंड और 1 किस्म है जो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा विकसित की गई है, उसको हम कल्याणपुर हरी लॉन्ग के नाम से जानते हैं। इन किस्मों का बीज किसान भाई कहीं भी अपने भरोसे की जगह से या प्रमाणित बीज बिजाई के लिए इस्तेमाल में लाएं, ताकि उनको खेत के अंदर बिजाई करने के बाद पौधों की वांछित संख्या प्राप्त की जा सके। यहाँ पर हम किसान भाइयों को ये भी बताना चाहेंगे कि अगर किसान भाई संकर किस्मों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें पूसा संकर 3 और नरेंद्र संकर 4
या पंत शंकर एक किस्में हैं, इनको भी किसान भाई बिजाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सीताफल के अंदर जो सुधरी हुई किस्में हैं उसमें तीन प्रमुख किस्में हैं। एक किस्म तो है पूसा विकास, इसके फल गोल एवं चपटे होते हैं और 2 से 2.5 किलो आकार के होते हैं। दूसरी जो वैरायटी है वो है पूसा विश्वास, इसके फल अंडाकार होते हैं, 3 से 5 किलो आकार के होते हैं। तो इसको जो है, इसके अतिरिक्त जो है एक अर्का चंदन किस्म है, उस इन तीनों किस्मों में से कोई भी एक किस्म का बीज किसान भाई बिजाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सीताफल में संकर किस्मों में 2 संकर किस्में बहुत प्रचलित हैं, पूसा संकर 1 और दूसरी है नरेंद्र संकर 4। इसके अतिरिक्त कई अन्य संकर किस्में भी बाज़ारों में उपलब्ध हैं। जहाँ किसान को अपनी किस्मों पर भरोसा है और अधिक उपज देने वाली हूँ, ऐसी किस्मों का किसान भाई अपनी सीधे बिजाई के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ एक बात और आवश्यक हो जाती है कि किसान भाई बिजाई करने से पहले बीजों को जो है उपचारित कर लें। अगर बीज उपचारित हैं तो उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बीज उपचारित नहीं है तो किसान भाई 2 ग्राम कैप्टान या थिरम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से पानी में घोल लें और बीजों को रोपाई बिजाई करने से पहले 18 से 24 घंटे तक पानी में भिगो करके रखें, ताकि पानी से उनका जो है अंकुरण करने की प्रक्रिया शुरू हो जाए और खेत के अंदर आसानी से और अच्छी प्रकार से उनका अंकुरण लिया जा सके। इसके साथ ही साथ किसान भाई इस बात का भी ध्यान रखें कि जो है बिजाई किस दिशा में करें। अगर सीधे बिजाई करनी है तो खेत के अंदर पूरब और पश्चिम दिशा में नालियाँ बनानी चाहिए और जो उत्तर की दिशा में जो मेड़ है उस पर बिजाई करनी चाहिए। बिजाई जो है मध्यम ऊंचाई में करें और उसमें जो है बुआई करने से पहले प्रति गड्ढा 1 चम्मच कार्बोफुरान जरूर मिलाएं, ताकि बीजों को जमाव के तुरंत बाद कटवर्म आदि कीड़ों से नुकसान से बचाया जा सके। आंखों तो दिखता नहीं, क्या करूं? 25 और 26 फरवरी आंखों के आगे जाला रहता है, क्या करें? 25 और 26 फरवरी मेरे आंखें में मोती है, मैं क्या करूं? 25 और 26 फरवरी 25 और 26 फरवरी को मोतियाबिंद की जांच एवं पंजीकरण निशुल्क किया जाएगा। पंजीकृत मरीजों की आंख का ऑपरेशन लेंस के साथ अगले 6 महीनों के दौरान मुफ्त किया जाएगा। हमारे देश में अतिथि को ईश्वर का दर्जा दिया गया है और उसके आदर सत्कार में किसी तरह की कमी नहीं रखी जाती। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमने ये परंपरा खेत और फसलों के साथ भी लगाई है। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, ऐसी फसलें हैं जो आई तो विदेशों से हैं, लेकिन हमारे देश की माटी उन्हें ऐसी भाई कि वो यहीं की होकर रह गई है। और ऐसी फसलें हैं स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न। आज के परिवेश में जरूरी है कि हम अपने खेतों में ऐसी फसल लगाएं जो हमें भरपूर उत्पादन दे और हमारी आमदनी को भी बढ़ाएं। और बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न एक ऐसी फसल है। आज इसकी मांग न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी काफ़ी है। यानी कि स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती एक मुनाफे का सौदा है। हमारे बहुत सारे किसान भाई स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती करके लाभ कमा रहे हैं, और ना सिर्फ लाभ कमा रहे हैं बल्कि वो सफल किसानों की श्रेणी में आ चुके हैं। और कुछ किसान ऐसे हैं जो इसके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन वो जानने के इच्छुक बहुत हैं। अमृता, नरेश, सोनीपत जिले के ऐसे 2 गांव हैं जहाँ पे स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की सफल खेती हो रही है। तो आइए चलते हैं, वहाँ के किसानों से मिलते हैं और जानते हैं कि स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती करके हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। किसान बहनों और भाइयों, आज हम हरियाणा के सोनीपत जिले के 2 गांवों के किसानों के बीच में बैठे हैं। गाँव के नाम है मनौली और एक गांव है अटेरना। ये दोनों गांव आपस में मिल रहे हैं और इनके बॉर्डर भी मिले हुए हैं। हमारे सामने बहुत सारे नौजवान किसान हैं। इनके बुजुर्ग खेती कर रहे थे बहुत दिनों तक, गेहूं की, चावल की और आलू की, गन्ना भी उगाते थे। लेकिन हमें जानकारी मिली कि अब पिछले 2 सालों से इन्होंने एक नई खेती शुरू की है, जिसमें इनको काफ़ी तरक्की मिली है। ये लोग बहुत खुश हैं और हमें भी ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि जो फसलें अभी तक हमारे देश में बहुत कम प्रचलित हैं, लोग बहुत कम जानते हैं, जिनको खाने वाले भी कम जानते हैं और पैदा करने वाले भी कम जानते हैं, लेकिन ये हरियाणा के किसान एक तब्दीली लेकर आ रहे हैं। एक गांव जो अटेरना है, उसके बहुत सारे किसान, ज़्यादातर किसान बेबी कॉर्न, जिसको हिंदी अगर करें तो
बच्चा मक्की की खेती कर रहे हैं पिछले 2 साल से, और जो दूसरा गांव है इसके जो किसान हैं वो स्वीट कॉर्न मीठी मक्की की खेती कर रहे हैं। आप जानते हैं मक्का आपने खाई होगी, उसकी रोटी खाई होगी सरसों के साग के साथ। मक्का, चावल और गेहूं 2-3 जो बहुत ही मुख्य अनाज की फसलें हैं, लेकिन बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न ये दोनों दुनिया में सब्जी की फसलें मानी जाती हैं। और अमेरिका, यूरोप और एशिया के बहुत सारे देशों में इनको बहुत लोग खाते हैं। हमारे देश में भी अब ये प्रचलित हो रही हैं, खासतौर से महानगरों में, दिल्ली इन लोगों के नज़दीक है, तो इनसे बहुत बढ़िया आमदनी कमाने के लिए ये किसान आगे आए हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि इन दोनों गांवों के नाम मक्की गांव बना दिए जाएँ तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये बहुत खुश हैं और बहुत तरक्की कर रहे हैं। हाँ, तो अब हम मनोली वाले जो किसान हैं, नौजवान किसान, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है जी? अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी, आपका नाम तो हम रास्ते पर सुनते आ रहे हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और स्वीट कॉर्न उगा रहे हैं, मीठी मीठी मक्का और सब बिल्कुल मीठा ही मीठा हो रहा है यहाँ। तो आप कब से कर रहे हैं इसकी खेती? 2 साल से। 2 साल से, क्या तजुर्बा है आपका? स्वीट कॉर्न की खेती की है मैंने और इसकी पैदावार अच्छी तरह से मैंने बढ़िया तरीके से ली है, और मेन प्रॉब्लम हमारी इस टाइम इसमें लगने वाले कीड़ों के बारे में है और मार्केटिंग के बारे में है। कभी भी एक किस्म की अकेले खेती मत करिए, हर चीज़ में। आज आप गेहूं भी लगा रहे हैं, आपके बहुत सारे साथी जो हैं, आपके बहुत सारे पड़ोसी किसान, लेकिन एक किस्म नहीं लगाते, कई कई किस्म है गेहूं की, 10-10 किस्म लगाते हैं लोग, क्योंकि कई बार एक किस्म अगर कुछ गड़बड़ हो सकती है, किसी में कीड़े बीमारी ज़्यादा आते हैं, किसी में कम आएंगे, किसी में बिल्कुल नहीं आएंगे, तो आप नुकसान में कम से कम नहीं रहेंगे, पूरी तरह नुकसान नहीं होगा। और ये जो बीज की समस्या कह रहे हैं, बीज नहीं मिलेगा, आप एक ही किस्म पर अटके रहेंगे, उसका बीज वो मनचाहे दाम पर बेचेगा, उसने बिल्कुल आपको पकड़ लिया। स्वीट कॉर्न आप कर रहे हैं, स्वीट कॉर्न में और भी अच्छी 2-3 वैरायटी हैं, एक माधुरी किस्म है, एक प्रिया स्वीट है, इसके अलावा एक अल्मोरा स्वीट है, और बहुत सारी किस्में बन रही हैं, शंकर किस्में बन रही हैं, तो एक अकेली पर मत रहिए। आप 3 खेत लगाइए तो 3 तरह की लगाइए। हमने 74 बोई थी, शुगर 74, बसंत की बोई थी जी, और एडवेंटा कंपनी की बोई थी। जो हमें आउटपुट मिली वो शुगर 75 की मिली। ठीक है, अगर आप संतुष्ट हैं और आपको कोई समस्या नहीं, अभी कह रहे ना उसमें कीड़ा बहुत आ रहा है, वो हर फसल में आएगा ना? ऐसा नहीं है, हर किस्म में कीड़ा बिल्कुल बराबर नहीं आता है, ये आप अपने मन से हटा दीजिए, और किसान भी सुन रहे हैं, बहुत सारी किस्मों में कीड़े बहुत कम आते हैं। अक्सर जो चीज़ बहुत ज़्यादा खाने में मीठी है उसमें कीड़े भी ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि कीड़ों को भी मीठी चीज़ ज़्यादा पसंद है। समस्या सबसे बड़ी बीज की भी इसमें एक समस्या जो है, बहुत महंगा हमें उपलब्ध हो रहा है, इसके हमें सोर्स का भी पता नहीं चल पा रहा, और दूसरी बात जो है बेचने की समस्या जो है ना, हमें इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इसको बेचना पड़ रहा है, क्योंकि इसको कहीं भी ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं है जहाँ पर इसको हम खुला बेच सकें और हमें अच्छे दाम मिल सकें। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, और जो बात आपने उठाई है मार्केटिंग की, इसके बारे में मैं 1-2 बात आपको कहना चाहूँगा कि पहले तो यही है कि अगर आपको लग रहा है कि जितना आप पैदा कर रहे हैं उतना नहीं बिकता, तो बेहतर तो यही है कि एक तो यही है इसका स्टेप कि आप उसकी पैदावार उतनी कम कर दीजिए, उसके बदले और दूसरी फसल को पैदा करिए और बेचिए। और दूसरा साधन ये है कि इसके निर्यात के लिए दिल्ली में एपीडा एक संस्थान है जो मदद करता है किसान की, सीधा आपका संपर्क विदेश के उन लोगों से कराते हैं कि आप वहाँ सीधे बात करिए और बेच दीजिए। लेकिन उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड कायम करने पड़ेंगे कि साहब इतनी बड़ी मक्का चाहिए, इसका ये साइज चाहिए, ये रंग चाहिए, ये वैरायटी चाहिए, तो वो फिर आपको उस तरह से जानकारी लेके बोनी पड़ेगी। वो मदद भी करते हैं इसमें, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी मदद करता है आपके निर्यात करने में, आपकी जो बहुत सारी फसलें हैं जिनमें आप कुछ पॉली हाउस बनाना चाहते हैं, ग्रीन हाउस बनाना चाहते हैं, नर्सरी बनाना चाहते हैं, उसमें मदद करता है। इतनी ज़्यादा नाजुक है कि आप इसको ज़्यादा देर तक भंडार कर ही नहीं सकते, आपको फिर बेचती हैं चाहे किसी भाव पर बिके, कई बार हो सकता है कि बिल्कुल ना बिके, और हो सकता है आप और आपके घर में ही आप इसको खाएं, तो उतना ही अभी शुरुआत करिए जितनी आप बेच सकें। हम पहले चलते हैं सीधे जो अटेरना गांव में बेबी कॉर्न लगा रहे हैं किसान, और बहुत कामयाब किसान हैं। 1997 में मैंने बेबी कॉर्न की खेती शुरू की थी। शुरू में मुझे परेशानी आई, मंडी में नहीं बिकती थी, मंडी में शुरू हो गई बिकनी, तो आज 130 रुपये किलो का मुझे भाव मिल रहा है, पर कई बार बेबी कॉर्न सस्ती हो जाती है तब समस्या होती है। और शुरू में जब बेबी कॉर्न की खेती मैंने शुरू की तो शुरू में 20,000-15,000 रुपये का एकड़ बैठता था, और आज इस साल बड़ा अच्छा भाव मिला है हमें, और 85,000 रुपये एकड़ तक की आमदनी मैंने ली है।
आज इसकी मार्केट बहुत अच्छी है आजादपुर सब्जी मंडी में और सारा माल लगभग बिक जाता है। आज हमें 130 रुपए किलो का भाव मिल रहा है, परंतु कई बार समस्या बेचने की आ जाती है, कई बार 30 रुपए से भी मंदी हो जाती है, उस टाइम हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, मंडी में माल बिकता नहीं। अब डॉक्टर साहब से हम पूछना चाहेंगे कि हमें बताएं उस समय हमें क्या करें। मैं चौहान साहब, एक बात तो हम ये कहेंगे कि आप इसी की खेती कर रहे हैं, कुछ और भी करते हैं? जब मेन खेती हमारी इसकी है, बाकी गेहूं और धान भी करते हैं। हाँ देखिए, आप आजादपुर सब्जी मंडी के अलावा और दो तीन जगह भी ढूंढिए दिल्ली, क्योंकि आपके नज़दीक है। दिल्ली में INA मार्केट में भी खपत है, इसके अलावा चाणक्यपुरी में भी खपत है, खान मार्केट में भी इसके खाने वाले बहुत हैं, और 5 सितारा होटल्स में आप तो पढ़े लिखे नौजवान किसान हैं, वहाँ भी संपर्क स्थापित करिए। और ज़्यादा बेहतर तो ये होगा कि आप गांव वाले बहुत बड़े लार्ज स्केल पर इसकी खेती कर रहे हैं, तो एक प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ बने। आप सरकारी तंत्र से अप्रोच करिए कि जो एक यूनिट अगर यहाँ आ जाए प्रोसेसिंग की, तो ये प्रोसेसिंग होने लगे। आप एपीडा से बातचीत करें तो इसको एक्सपोर्ट भी ये होता है, बाहर निर्यात भी हो सकता है इनका, तो निर्यात से अगर का आपका जुड़ जाता है तो आपको बहुत बड़ी इसमें लाभ होगा, बहुत बड़ी आमदनी होगी। अगर मंडी में थोड़ा माल ज़्यादा आ जाए तो हमारा बिक नहीं पाता, यदि उसकी समस्या हल हो जाए दूसरी जगह मार्केटिंग की, जैसे NRI में है या खान मार्केट में इकट्ठा माल जाए तो किराया कम पड़ सकता है और हमारे माल के दाम अच्छे मिल सकते हैं। एक छोटा किसान 50 किलो माल लेके वहाँ नहीं जा सकता। मैं तो ये चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग देके मार्केटिंग में उनसे कराइए, जो बीच के दलाल हैं वो हट जाएंगे, जो हिस्सा बीच का आदमी ले रहा है ना। आप कोशिश करके अपनी दुकान शुरू करिए, आप पैदा भी करिए, खुद बेचिए भी। अमेरिका में भी आज किसान अपनी सब्जी पैदा करके और खुद ले जाके बेचता है, तो हमें बेचने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना मुनाफा दूसरा लोग ले रहे हैं उतना आपको नहीं मिल पाता, तो ये आप कर सकते हैं। नरेश, रंगों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है और हर रंग की अपनी भाषा है, यानी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए रंगों से बेहतर कोई अच्छा साधन नहीं है। बिल्कुल अमृता, और इन दिनों अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौसम चल रहा है, समझे नहीं क्या? अरे भाई, होली बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है, तो आइए सुरों के रंगों में सराबोर हो जाएं। पिचकारी तेरे माथे पे मारे, भर पिचकारी तेरे माथे पे मारे, भर पिचकारी तेरे माथे पे मारे, भर पिचकारी तेरे माथे पे मारे। बिंदिया की सुरग बिगारे गो, सखी घूंघट माथे खोले, मत खोले सखी घूंघट तू मत खोले, कन्हैया रंग तू डारे गो, सखी घूंघट तू मत खोले, कन्हैया रंग तू डारे गो, सखी घूंघट तू मत खोले। पर पिचकारी तेरी अखियन मारे, पिचकारी तेरी अखियन मारे, हर पिचकारी तेरी अखियन मारे, गजरा की रेख बिगारे गो, सखी घूंघट तू मत खोले, गजरा की रेख बिगारे गो, सखी घूंघट तू मत खोले, गजरा की रेख बिगारे गो, सखी घूंघट तू मत खोले, पिचकारी तेरे मोहन पे मारे, हर पिचकारी तेरे मोहन पे मारे, भर पिचकारी तेरे मोहन पे मारे, भर पिचकारी तेरे मोहन पे मारे, नीची नथनी की गूंज बिगारे गो, सखी घूंघट तू मत खोले, 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 कन्हैया रंग तू बिगारे गो, सखी घूंघट तू मत खोले, कन्हैया रंग तू बिगारे गो, सखी घूंघट तू मत खोले, भर
पिचकारी तेरी छतियन मारे, मर पिचकारी तेरी छतियन मारे, चोली की चोली की चटक बिगारे गो, सखी घूंघट घूमत खोले। किसान बहनों भाइयों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं और यदि आपकी कोई शिकायत है तो उसको भी पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी हमारे पते की, तो नोट कर ले हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन, दर्शक अनुसंधान एकांश, दूरदर्शन केंद्र, पोस्ट बॉक्स नंबर 78, नई दिल्ली 110001। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल पता नोट कर लें। हमारा ईमेल पता है kddnd77@yahoo.co.in। कार्यक्रम के अगले अंक में कृषि संबंधी ढेरों जानकारी और मनोरंजन लेकर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।